अगर मोदी मुमकिन है तो पेंशन मुमकिन क्यों नहीं है? तो पुरानी पेंशन नहीं छोड़ते हैं, तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 5 साल काम करते हैं तो पेंशन पाते हैं, हम लोग 60 साल तक करते हैं तब भी नहीं पेंशन पाते हैं। बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, हम लोग सरकार बदल देंगे अगर हमारी स्थिति यही रही तो। इतना बड़ा हुजूम सरकार का तख्ता बदलने का काम करेगा? नौकरी अधूरी है, अगर पेंशन नहीं है तो नौकरी अधूरी है। पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन करेगी, अपने एजेंडे में लेगी, उसका हम समर्थन करेंगे और उसको वोट का अपने वोट से लाभान्वित करेंगे। पहले जो रिटायरमेंट होते थे बाजे बाजे के साथ रिटायरमेंट होते थे, और आज के समय में हमारे जो पुराने साथी जब रिटायर होते हैं ना, इस तरह बात लें 2024 में वापस जाने की तैयारी कर लें सरकार। नमस्कार दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आज लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हो रही है, महारैली है ये। आप देख सकते हैं मेरी तरफ लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, लगातार यही अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सिर्फ सरकार से मांगे की जा रही है कि उनकी पेंशन योजना को दोबारा से लागू कर दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू कर दिया जाए। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अरे हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए, अगर हमारे राजनेता पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमें पुरानी पेंशन चाहिए, बस हमारी एक मांग है। अगर वो पुरानी पेंशन छोड़ दे रहे हैं हम भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो पुरानी पेंशन नहीं छोड़ते हैं तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये रैली अनवरत चलती रहेगी 2024 चुनाव तक, जब तक हमारा ओपीएस बाहर नहीं होता। चुनाव पर इसका रैली का कुछ असर पड़ेगा? बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, हम लोग सरकार बदल देंगे अगर हमारी स्थिति यही रही तो। कर्नाटका में सरकार बदली है, हिमाचल में बदली है, और लगा आने वाले जो चुनाव है वहाँ भी सरकार को झेलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं मैडम जी? अगर मोदी मुमकिन है तो पेंशन मुमकिन क्यों नहीं है? मोदी जी कह रहे हैं भैया जितना करना था आपने जब तक सेवा दी तब तक आपको हमने सेवा दी। और सेवा आपने एहसान में नहीं, सेवा हमने दिया है ना, तो बुढ़ापे हम लोग कहाँ जाएं? बुढ़ापे में हम लोग किसके सहारे जाएं? हम लोग पूरे जीवन जो है इस देश की सेवा की है, तो बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे के लिए जो पुराने आप लोग जो एक्टर हैं तो क्या जो है केवल सरकार का पक्ष रखती हैं कि हम लोगों का पक्ष वहाँ भी रखती है? नहीं, हम लोगों का पक्ष वहाँ भी रखती हैं कि नहीं रखती हैं? तो आप रिपोर्टर हैं ना, तो रिपोर्टर हैं तो हम लोगों की बात वहाँ पहुँचाइए। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बताइए। की बात हमसे कह रही हैं, हमारी बात वहाँ करिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोदी हमारी बात यही है, पेंशन जो है बहाल हो, पुरानी पेंशन के बिना नौकरी का कोई काम नहीं है, नौकरी अधूरी है, अगर पेंशन नहीं है तो नौकरी अधूरी है। बिना पेंशन के सरकारी नौकरी रोजमर्रा का मजदूर है, बस केवल रोज खाइए मर जाइए, ना अपने बाल बच्चों का आप पालन पोषण कर सकते हैं, ना उसमें कुछ जो है बना सकते हैं। नहीं मानती है सरकार आपकी तो क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो सरकार कौन टिकाऊ है? 5 साल बाद उखाड़ फेंक देंगे, बदल देंगे, दूसरी सरकार आएगी। हमारे कांग्रेस राज्यों पे पेंशन लागू किया और वो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे कि जो है पेंशन जो देगी उसका सपोर्ट। वो लोग समझे, देखिए 35 विभाग है, 35 विभाग आज धरने में है, आज शामिल है। अब आप सोचिए कहाँ जाएगा धरना? इतनी धूप में आए हैं, धूप में बैठे हैं, तप रहे हैं, इतनी धूप में बैठ के काहे तप रहे हैं? हम अपने हक की लड़ाई के लिए तप रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए तप रहे हैं, और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या दिक्कत है? नई पेंशन में कुछ भी नहीं, खाली धोखा है। नई पेंशन में खाली धोखा है, हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए। या पुरानी पेंशन नेता लोग अपनी बंद करें, अपनी बंद करें, हमारी बंद कर दें, वो भी एनपीएस ले। नई पेंशन के तहत उसके संपर्क में हैं, तो ये हमको नई पेंशन नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो सरकारी पेंशन के लिए पुरानी पेंशन हमको बहाल करे, नई पेंशन में तो हमारा नुकसान होगा ना। अगर सरकार चाहे तो अपने भी नई पेंशन ले ले। सरकार तो वादे करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खूब कर रहे हैं। हाँ वादा करती है तो उसको भुगतना भी पड़ेगा आगे चल के ना। अभी 5 प्रांतों में हुआ है ना, आगे फिर 24 में इलेक्शन है तो पता लग जाएगा। कुछ आपको नहीं, आप खुश नहीं है क्या? किससे? सरकार से कैसे खुश रहेंगे? हमको 90,000 रुपया वेतन पाएंगे और रिटायर होंगे तो 4,000 रुपए, 2,200 रुपए पेंशन मिलेगा, उतने में कैसे लड़के बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बिजली का बिल देंगे, दवा कराएंगे, क्या करेंगे? नहीं, जो पुरानी पेंशन है उसमें 50% पेंशन मिलती है और डीए मिलता है, यानी कि डीएनएस अलाउंस बढ़ता रहता है। जिस तरह से कर्मचारी अपनी सेवा देता है ना,
और उसका हर साल 3% या 5% करके बढ़ता है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम से जो रिटायर्ड होता है उसकी पेंशन भी इसी तरह से ग्रोथ करती रहती है जिस तरह से कर्मचारी की सैलरी ग्रोथ करती है। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें ना तो सैलरी ना तो पेंशन ग्रोथ करती है, एक फिक्स पेंशन होती है 20-20, 25-25 और 34-34 साल की सेवा करने के बाद सिंचाई विभाग में कर्मचारी 1,000 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये इस तरह से पेंशन पा रहे हैं। कोई 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पाने वाला जब रिटायर होता है ना तो ओल्ड से ओल्ड कर्मचारियों की आंखों में उनकी आंखों में आंसू आते हैं रिटायरमेंट के समय। पहले जो रिटायरमेंट होते थे गाजे बाजे के साथ रिटायरमेंट होते थे और आज के समय में हमारे साथ जो पुराने साथी जब रिटायर होते हैं ना तो वो आंखों में आंसू लेकर के और हुक्की दे करके रोते हैं, हुड़कियाँ दे करके रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अपने पौधों को खिलाने के लिए और कुछ भी चीज़ें दिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे आने वाले समय में। एक चीज़ होती है ओल्ड पेंशन स्कीम से जो रिटायर हो रहे हैं उनको मेडिकल सुविधाएं हैं, सब कुछ है, हेल्थ की सुविधाएं भी हैं, लेकिन आज के समय में एनपीएस सरकार कह रही है भैया रिटायर होगा। हम सवाल पूछिए, सरकार कह रही है कि चलिए अब आप अपना देखिए, हमने आपको जब तक सेवा दी, आपने जब तक सेवा दी तब तक आपको मिल रहा है, अब हमने आप अपना देखिए। तो सरकार फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हम तो चलो हम तो शासन या प्रशासन में आ गए, ठीक है जी, जो एमएलए एमपीज हैं ये फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों ले रहे हैं? सरकार हम मतलब हम बेगाने बना दिए, सरकार 80% लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले रही है और ये जो अपनी जिंदगी का होम कर रहे हैं कर्मचारी ये बेगाने हो गए, ये उसके लाल नहीं है, हम देश के लाल नहीं है, हम किसान और मजदूर के बेटे नहीं है ये सब, तो सरकार ऐसे कैसे हमें दुत्कार सकती है? यह सरकार हमको किस तरह से इस तरह की दुत्कार कैसे दे सकती है? आप कौन सी बात कर रही है, किस तरह की बात कर रही है? अच्छा ये बताइए, आप अगर नहीं मांग मानती है सरकार, आपकी मांगे नहीं, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो एनजेसीएमए जो हमारा संयुक्त कर्मचारी मंच है ना ये पूरे देश में सरकार का तख्ता बदलने का काम करेगा और पूरी तरह से हम लोग सभी कर्मचारी संघ, आपने देखा नहीं हजारों की संख्या में बाहर खड़े हैं, हजारों की संख्या में स्टेशन पर खड़े हैं और हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, लाखों की संख्या में कुछ साथी जो है रास्ते में जो आ भी नहीं पाए हैं, जाम में फंसे हुए हैं। इतना बड़ा हुजूम सरकार का तख्ता बदलने का काम करेगा? ऐसा नहीं है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी हम चुप बैठ जाएंगे, ये सब नहीं है। जो ये आह्वान चल रहा है इसमें हम चाहेंगे आकि हमारी सरकार जो है जिस तरह से मंत्री विधायक सांसद को कई बार पेंशनें मिलती है, सांसद चार बार हो जाए चार पेंशन होती है, उसी तरह से जो नीचे से लेकर के ऊपर स्तर तक हमारे कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं तो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें और नहीं तो पूरे सांसद विधायक मंत्रियों का भी पेंशन जो है बंद किया जाए। सांसद विधायक और मंत्रियों का भी पेंशन बंद कर दिया जाए, क्यों वो 5 साल काम करते हैं तो पेंशन पाते हैं, हम लोग 60 साल तक करते हैं तो भी नहीं पेंशन पाते हैं, आखिर क्यों? एक दिन के विधायक हो जाएंगे तो पेंशन पाते हैं, एक दिन के विधायक हो जाएंगे तब भी पेंशन पाते हैं, जिंदगी भर पेंशन पाते हैं, एक दिन के विधायक होके भी जिंदगी भर पाते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली हम सरकार से चाहते हैं, हमारा अधिकार है, सरकार को उसको पूरा करना पड़ेगा, देश पर वही राज कर सकता है जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा, नहीं जो सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्यों बुढ़ापे की पेंशन लाठी है, ये धूप सह लेंगे वो नहीं सह पाएंगे इसलिए आए हैं, ये धूप सह लेंगे पर नहीं सह पाएंगे इसलिए आए हैं। आलम जी हैं प्रतापगढ़ से, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बुढ़ापे का सहारा है पेंशन वो भी छीन लिया और खुद सरकार 5-5 पेंशन ले, ये नेता बने और जो सेवक हैं केवल हम लोग 62-62 साल बाद रिटायर हों, हम लोग बैरन चले जाएं। सरकार तो कहती है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ जनहित में, तो क्या जनता में हम लोग नहीं है? हम लोग भी तो जनता में है, जनता में तो हम लोग भी हैं, अगर हमारा वो पेंशन नहीं बहाल करता है तो हम लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग आपका क्या कब तक चलेगी ये मामले आपकी? जब तक सरकार जब तक जो है पेंशन की घोषणा नहीं हो जाएगी ये आंदोलन तब तक अनवरत चलता, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सीधा दिल्ली कूच करेंगे। पेंशन नहीं मिल रही है मैडम, नहीं पेंशन, क्या उम्र हो गई? हमारी 55 साल हो गई है। अब रिटायरमेंट कब तक है? 29 में रिटायरमेंट है। बहुत ज्यादा अगर हमको एनपीएस की पेंशन मिलेगी तो 5,000 रुपए मिलेगी, आज हमको 60,000 रुपए वेतन मिल रहा है, आपका मतलब खर्चा वगैरह नहीं चल पाएगा, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, चाय पीने के लिए भी पैसा नहीं मिल पाएगा। ये एनपीएस इतनी खराब चीज है, हमको चाहिए या तो हमारी पीछे की सर्विस जोड़ दें
जोड़ के हमको पुरानी पेंशन दे दे। इस उम्र में जनता चाहती है कि वो रिटायरमेंट के बाद में सुकून की जिंदगी जिए। 30 साल इन भाई साहब ने जो है अपनी सेवा दी है और उसके बाद में जाकर के उन्हें उनकी पेंशन भी नहीं मिल रही है, वो सुकून से एक जिंदगी भी नहीं बिता पाएंगे, ऐसा इनका मांग है। जी मैडम जी, क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी यही सरकार से मांग है कि हमको पुरानी पेंशन दे दे, हमारी पीछे की सर्विस को जोड़ के हमको वो पुरानी पेंशन दे दे। हम यही चाह रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है हमारी पीछे की सर्विस अगर जोड़ देंगे तो हमको पुरानी पेंशन मिल जाएगी। अच्छा, और अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं मांगेगी तो फिर अंतिम विकल्प है या तो आमरण अनशन करेंगे या तो पूरे परिवार के साथ में जाके कहीं आत्मदाह कर लेंगे। भाई वो जीना क्या जीना है कि जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना भी हमको पैसा नहीं मिलेगा, 60 साल के बाद में कुछ तो करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन दे दें, और या तो ये कोई एक निश्चित पेंशन स्कीम लाए, निश्चित रखें कि आपको इतना पैसा मिलेगा जिससे कि आप अपनी जीविका को चला सकें। हम अपने वोट के अधिकार से सत्ता प्रयोग कर ही सकते हैं और करना चाहिए। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लोको शाखा का ब्रांच सेक्रेटरी मुरादाबाद से हूँ और आज हम लोग यहाँ इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये रैली जो है, इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, ऐसी हमारी डिमांड भारत सरकार से है और इसी डिमांड को लेकर के हम आज यहाँ पे एक अच्छा, क्या यहाँ पर ये रैली कब तक चलने का एक आप लोगों का प्लान है, कब तक चलेगी ये रैली? तो आज शाम को 4 बजे तक चलने की संभावना है और उसके बाद हमारा जो अगला प्लान है वो दिल्ली संसद का घेराव करने का है। कब तक का प्लान है? मानसून सत्र में हम संसद का घेराव करेंगे और तब भी अगर सरकार नहीं चेतती है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करती है तो हम भारत बंद करेंगे। और 2024 में सारे कर्मचारियों ने ये मन बना लिया है कि जो सरकार पेंशन की बात करेगी, पेंशन देने की, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात करेगी, सारे कर्मचारी और उनके परिवार, उनके रिश्तेदार उन्हीं को, उसी सरकार को वोट देंगे। 20 साल 3 महीने सरकारी सेवा करने के बाद रिटायर होंगे और वर्तमान पेंशन जो नई पेंशन इसमें हमें 4500 से 5000 रुपये महीना मिलेगा, जिस समय बिजली का बिल भी देना मुश्किल होगा। बिजली बिल नहीं दे पाएंगे तो हमारा जीवन यापन बुढ़ापे में कैसे चलेगा? तो सरकार से हम पूछते हैं कि हमको 20 साल 3 महीने पूरी सेवा करने के बाद 4500 रुपये पेंशन मिलेगी नई पेंशन स्कीम के तहत, और मैं रिटायर होऊंगा कम से कम उसमें मेरी 90,000 तनख्वाह होगी, 90,000 तनख्वाह से रिटायर होऊंगा, 4500 रुपये मुझे नई पेंशन मिलेगी तो उससे हमारा बिजली का बिल नहीं पेमेंट हो पाएगा और हम क्या करेंगे बुढ़ापे में, कौन सा सहारा देगा बताएं? लेकिन हम लोग किसी पार्टी से अपने को संबद्ध नहीं मानते, हम लोगों का केवल ये कहना है कि जो भी पार्टी हमारी पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन करेगी, अपने एजेंडे में लेगी, उसका हम समर्थन करेंगे और उसको वोट का, अपने वोट से लाभान्वित करेंगे। तो आप क्या क्या कब तक चलने वाली है आपकी ये लड़ाई? हमारी लड़ाई जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी, ओपीएस नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग इसे लड़ते रहेंगे। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या, जो है अनवरत चलता रहेगा। बिस्तर बांध लें, 2024 में वापस जाने की तैयारी कर लें सरकार। जैसे सबका साथ सबका विकास की बात आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपना भी आप उसे नए पेंशन में आ जाइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आपके तमाम पेट्रोल पंप है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, आप पुरानी पेंशन पांच पेंशन लेंगे, हमारे पास क्या है आप बताओ? एक कर्मचारी के पास रिटायर होने के बाद आप बताइए कौन, किसका बच्चा किसका साथ दे रहा है? और इस समय हर व्यक्ति जो है बीमार हो रहा है, उसकी दवा का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसकी बुढ़ापे की लाठी चलेगी? यहाँ पर लोगों का सिर्फ यही कहना है कि बुढ़ापे की लाठी है उनकी पेंशन और सरकारों को उनकी मांग सुननी चाहिए। खुद जो लोग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनको, उनसे यहाँ पर कर्मचारियों से उनकी बुढ़ापे की लाठी भी छीनी जा रही है। अब सरकार से सीधे मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने के बारे में सोचा जाए। इस खबर में इतना ही, ये आप उल्टा चश्मा यूसी पे देख रहे हैं, मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।